दोस्तों चिराग पासवान बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ वो एक राजनेता है जो कि लोक जनशक्ति पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही चिराग पासवान को एक एक्टर बनने का बहुत बड़ा शौक था, जिसे चलते इन्होंने बचपन से ही एक्टिंग का ट्रेनिंग लिया है। लेकिन समय के साथ साथ इनका प्रोफेशन बदल गया, वो एक एक्टर से एक राजनेता बन गया। दोस्तों इन्होंने सन 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद एक सेंट्रल मिनिस्टर की तौर पर शपथ लिया है। तो आज हम बात करेंगे चिराग पासवान की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको भी चिराग पासवान पसंद है तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1983 को न्यू दिल्ली में हुआ था और 2024 के हिसाब से चिराग पासवान अब 41 साल का हो चुका है। दोस्तों चिराग पासवान नेशनलिटी से इंडियन है और रिलीजन से हिंदू है। और बात करें जोड़क साइन के बारे में तो इनका जोड़क साइन है स्कॉर्पियो। दोस्तों चिराग ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई न्यू दिल्ली की एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से की है। फिर इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दाखिला ली, जहाँ से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री अपने नाम की। दोस्तों इनको बचपन से ही योगा करना और बॉलीवुड फिल्मों को देखना काफी पसंद था। पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले चिराग पासवान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ काम किया है। दोस्तों इन्होंने सन 2011 में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू की थी मिले ना मिले हम फिल्म से, जिस फिल्म में इनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत, नीरू बाजवा और सागरिका शामिल थी। दोस्तों इस फिल्म में काम करने के बाद चिराग पासवान ने सन 2012 में बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ दी और पॉलिटिक्स ज्वाइन की। दोस्तों सन 2012 में एक्टिंग छोड़ने के बाद इन्होंने LJP यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन की। फिर इसके 2 साल बाद यानी कि सन 2014 में उन्होंने बिहार की जमुई कंस्टिट्यूंसी से लोकसभा चुनाव लड़ी और एक बड़े मार्जिन पर इस कंस्टिट्यूंसी की सीट को अपने नाम की। फिर इसके अगली लोकसभा चुनाव यानी कि सन 2019 में उन्होंने फिर से जमुई कंस्टिट्यूंसी से MP चुनकर आई। फिर इसके बाद 5 नवंबर सन 2019 में ही उनको LJP के नेशनल प्रेसिडेंट बनाई गई। दोस्तों सन 2024 की लोकसभा चुनाव में इन्होंने फिर से बिहार की हाजीपुर कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ा है और इन्होंने फिर से जीत को अपने नाम की है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनके फैमिली के बारे में। दोस्तों इनके पिताजी के नाम है राम विलास पासवान, जो कि प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन है, और माताजी की नाम है रीना पासवान। दोस्तों इनकी 3 बहनें हैं, इनके नाम है निशा पासवान, ईशा पासवान और आशा कुमार। बात की जाए इनके कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास है सन 2014 मॉडल की एक टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत है करीबन 28 लाख रुपए, और इसके अलावा इनके पास है एक मारुति जो कि सन 2015 की मॉडल है। वही अगर बात किया जाए इनके टोटल नेट वर्थ के बारे में तो 2024 के हिसाब से चिराग पासवान का टोटल नेट वर्थ है करीबन 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये था पॉलिटिशियन चिराग पासवान का लाइफस्टाइल और बायोग्राफी वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दे। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखा करें।